प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन ये आया था जेई एडवांस 2020 पेपर वन में क्वेश्चन फाइव था और प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े प्यारे ढंग से इंक्लूड किया है और उसको एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको लेकिन सॉल्यूशन जो है इजी है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं सवाल ध्यान से हम पढ़ते हैं और मेन चीज़ ये है कि वर्क इसका जो वर्कआउट है बहुत ही छोटा सा है मेन क्वेश्चन समझने का है लेट सी वन एंड सी टू बी द टू बाय कॉइंस सज दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग द हैड इन अ सिंगल टॉस इज टू बाय थ्री तो सीवन एक कॉइन है सी टू सेकेंड कॉइन है उन दोनों पे जो हैड गिरेगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज टू बाई थ्री एंड वन बाय थ्री रिस्पेक्टिवली सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हैड्स दैट अपियर्स वेन सीवन इज टॉस्ड टवाइस तो देखिए दो बार अगर कॉइन को टॉस कर रहा है तो कितने हेड गिर सकते हैं जीरो हेड गिर सकते हैं एक बार हेड गिर सकता है और क्योंकि वो दो बार प्राइस वो टॉस कर रहा है तो दोनों हेड भी गिर सकते हैं ठीक है ना तो अल्फा की वैल्यू जो है जीरो वन टू जा सकती है यहाँ तो हम ये चीज़ तो पहले से ही लिख सकते हैं जीरो वन टू अल्फा की वैल्यू इसी तरह से आगे पढ़ते हैं फिर तो वापस यहाँ से ले, ले लेते हैं रेस्पेक्टिवली अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स अल्फा इज़ द नंबर ऑफ हेड्स दैट एपियर्स व्हेन सी वन इज़ टॉस्ड ट्वाइस तो जो उसको सी वन कॉइन को दो बार टॉस करेगा तो उस पर जो नंबर ऑफ हेड्स गिरेंगे वो उसका नंबर है अल्फा ठीक है इंडिपेंडेंटली एंड सपोज बीटा इज़ द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपियर व्हेन सी टू इज़ टॉस्ड तो बीटा जो है बीटा सेकेंड कॉइन का है नंबर कि नंबर ऑफ हेड्स कितने गिरेंगे तो वो भी तो जीरो वन टू ही गिरेंगे वो भी दो बार ही इंडिपेंडेंटली टॉस की गई है ठीक है सेकेंड कॉइन को वेन सी टू इज टॉस्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली देन प्रोबेबिलिटी देन प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम ये यहाँ पे बड़े प्यारे ढंग से क्वाड्रेटिक पोलिनोमल को इंक्लूड कर दिया दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना लो इसको कोई दिक्कत नहीं है दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू ज़ीरो तो जो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होने की कंडीशन है दैट डी इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन जो है डी इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे और दैट इज द अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्व टू फोर ए सी फोर ए की वैल्यू वन है और सी जो है सीधा सीधा बीटा है अब यहीं से हमें कंडीशन निकल के आएगी हमें ये पता है सीवन कॉइन को दो बार टॉस करेगा कॉइन को दो बार टॉस करेगा और जो नंबर ऑफ हेड्स है वो रियल एंड इक्वल तो यहां बड़े प्यारे ढंग से जो है इसको क्वाड्रेटिक को डाल दिया ठीक है हमें एक काम करना है ये देखना है कि अल्फा स्क्वायर फोर बीटा कितने तरह से आ सकता है तो यहां दो केसेस बनते हैं गाइस ठीक है ना दो केसेस कैसे बनते हैं इसके कि एक तो अल्फा अगर मैं लेऊं कितना टू अल्फा की वैल्यू अगर टू लेंगे अल्फा अगर टू लेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बीटा वन लेंगे तो इस तरह से अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा टू का मतलब जो फर्स्ट वाली कॉइन है वो ट्वाइस जो है हेड टॉस करने पे आए तो जो सेकेंड कॉइन है वो बीटा हो गया बीटा मीन्स बीटा वन हो गया मीन्स जो सेकेंड कॉइन है सी टू उस पर नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे एक ठीक है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसको इक्वेट करने वाली वो अल्फा जीरो हो और बीटा भी जीरो अल्फा जीरो हो बीटा भी जीरो है ना अब मुझे काली कुछ नहीं करना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखनी है पहले मैं प्रोबेबिलिटी ये वाले लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेरिंग द हेड ऑन सीवन पहले वाली पे सीवन कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी टू बाई थ्री है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of getting head on and getting tail getting tail on c1 तो वो 1/3 हो जाएगी probability of getting the head on c2 is 1/3 दी हुई है 1/3 है ये तो आपस में पलट जाएंगी ठीक है तो इसी तरह से जो probability of getting tail on c2 is 2/3 ये 2/3 हो जाएगी ठीक है ये तो चार प्रोबेबिलिटीज हो गई हैं हां अब मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है देखिए बहुत ईजी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि पहला ये केस है दो केस बनेंगे एक केस ये और दूसरा केस ये और ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी uh, का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट का है ठीक है ना तो हम इस केस को लेंगे या फिर दूसरा कंडीशन ये लेंगे तो इस तरह से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी पहले में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है टू अल्फा अगर टू है तो फर्स्ट uh, जो कॉइन है सी उसमें एक बार टॉस किया तो भी हेड ही आया दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड हो गया तो ये देखिए टू बाई थ्री फर्स्ट टाइम ए, ए, इसको किया सेकेंड टाइम दोनों बार दोनों बार जो है हेड आया अब हम सेकेंड कॉइन पे जाएंगे सेकेंड कॉइन पे जैसे ही जाएंगे तो सेकेंड कॉइन पे जो बीटा आना है सी टू कॉइन पे बीटा बीटा मीन्स उस पर एक ही हेड आएगा तो अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि हेड और टेल दो ऑप्शंस हैं दो ऑप्शंस है उसमें से एक सेलेक्ट करना है पहले हेड और टेल देर आर टू ऑप्शंस तो उनमें से एक सेलेक्ट करना है टू सी वन यहां पर मुझे ये लिखना पड़ेगा टू सी वन इन टू जब आपका ये हेड सेलेक्ट हो गया है तो फिर क्या है कि एक हेड आएगा और एक टेल आएगा तो पहले मैं सेकेंड कॉइन पे सेकेंड कॉइन पे सेकेंड कॉइन पे पहले हेड गिरा देता हूँ एक तो ये वन बाई थ्री आ गया और अब अगर एक हेड गिर गया क्योंकि उसको भी तो दो बार ही ट्वाइस ही उसको टॉस किया गया है सेकेंड कॉइन को भी दो बार ही टॉस किया है तो सेकेंड ऑप्शन में उस पर आएगा क्या टेल आएगा तो टेल आने का जो सेकेंड पे टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो टू बाई थ्री है ये पहला काम हुआ हमारा है ना और यहां पे प्लस लगाएंगे या फिर सेकेंड केस बन सकता है कि अल्फा एक भी हैड नहीं आए है, एक भी हैड नहीं आए है, एक भी हैड नहीं आए है, है तो पूरे के पूरे टेल ही है ना तो पूरे के पूरे टेल है तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल राइट दोनों फर्स्ट कॉइन जो सीवन है उसको टॉस किया दोनों बार और दोनों बार एक भी हेड नहीं आया है मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रही है एक भी हेड नहीं आया ठीक है दोनों टेल आए तो इसको हम वन बाय थ्री लिखेंगे वन बाय थ्री और स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूँ दोनों केस में एक ही जैसा आ रहा है वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री लिखना चाहिए मुझे ठीक है अच्छा अब सेकेंड कॉइन की बात करें सेकेंड कॉइन पर बीटा जीरो है बीटा ज़ीरो मतलब ना सेकेंड कॉइंट सी टू जो है उस पर भी एक भी हेड नहीं आया उस पर भी दोनों टैल आए तो सेकेंड कॉइन पे जो टैल आने की प्रॉबर्टी होती है वो टू बाई थ्री होती है तो उसको टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री लिखना होता है टू बाई थ्री का स्क्वायर लिखेंगे काम कंप्लीट हो चुका अब इसको खाली सिंपली सॉल्व कर देना है ठीक है ना इसको मैंने थोड़ा सा हल्का स्लोली जो है आप अप्रोच बताइए आपको इसको आप सिंप्लीफाई uh, कर दीजिए वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है तो ये आ गया आपका देखिए फोर बाई नाइन आ गया फोर बाई नाइन इंटू टू इंटू टू इंटू इंटू वन इंटू टू बाई एक और ये नाइन है नाइन यहाँ पे भी है ठीक है प्लस का दिस इज़ वन बाई नाइन इंटू एंड दिस इज फोर बाय नाइन तो फोर बाय नाइन यहाँ पे भी है नाइन यहाँ पे भी है ना नाइन नाइन जो एट्टी वन एल आ जाएगा और ये चार चौक सोलह और प्लस चार तो ये आ जाएगा ट्वेंटी अपॉन एट्टी वन ट्वेंटी अपॉन एट्टी वन ही इसने आंसर दे रखा है ट्वेंटी अपॉन एट्टी वन तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा